वहीं शहर में सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों व राजनेताओं की याद में दुर्ग के जी मार्ग पर शहीद हेमू कलानी, शहीद वीर नारायण व स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने शहर विधायक व महापौर ने स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। शहर को सुंदर बनाने, सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण के साथ ही छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ राजनेताओं की याद में प्रतिमा अनावरण कराकर शहर की शोभा बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक और पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों व राजनेताओं की प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसमें शहीद हेमू कलानी, शहीद वीर नारायण व स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसके चल रहे कार्य का जायजा लेने शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अधिकारी व कर्मचारियों ने निर्माणाधीन स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही जल्द से जल्द बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार आने के बाद शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हमने राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जी से कहा कि दुर्ग शहर को सड़कें चौड़ी होनी चाहिए और इसके लिए 64 करोड़ रुपए की राशि नेहरू नगर से लेकर मिनी माता चौक तक स्वीकृत की गई और राशि स्वीकृत होने के बाद आप देख रहे हैं कि सड़क चौड़ी हुई है। यहाँ पर जो आकर्षक डिवाइडर बना है, आकर्षक लाइटें लगी है, जो शहर के सौंदर्य को बढ़ाने में कम नहीं है। इसके साथ ही साथ दुर्ग एक बहुत संस्कारपूर्वक जिला रहा है। यहाँ पे बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया है। यहाँ के नेताओं ने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित की है। दुर्ग का मान सम्मान बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर शहीद हेमू कलानी जी की प्रतिमा स्थापित होगी, जिनका योगदान देशवासी कभी भूल नहीं सकते देश की आज़ादी में। आप उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। साथ ही इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे, राज्य देश के प्रदेश के नेता रहे, श्रद्धे मोतीलाल वोरा जी की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी राजेंद्र चौक के पास। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर दुर्ग शहर में जिनका योगदान रहा है और जिसका देश में योगदान रहा है, उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ सके कि जो राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, भाईचारा और राजनीतिक समरसता अगर सीखनी है तो इन महान पुरुषों के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो ये कार्य भी दुर्ग में किए जा रहे हैं, साथ ही जितने भी आप कार्य देख रहे हैं दुर्ग शहर में, इन सब कार्यों को संपादित किया जा रहा है। और हमने कहा है कि सारे काम समय पर पूरे हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, धनराशि की कोई कमी नहीं है, कमी इच्छा शक्ति की होती है और इच्छा शक्ति की भी पूर्ति होनी चाहिए, ताकि जो काम किए गए हैं उन कामों को समय पर पूरा किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।